जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम विज़िट करेंगे प्रतिमाओं के म्यूज़ियम का। तो इसको देख के आपको अंदाज़ा होगा कि कौमें कैसे अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करती हैं और इसी हिस्ट्री को, इसी तहजीब को, तमदन को, सकाफत को, कल्चर को देखने के लिए फिर जो फॉरेनर विजिटर्स हैं वो कंट्री का रुख करते हैं। तो टिकट मैंने ले ली है, आप देख सकते हैं, और अभी हम इनसाइड जाने लगे हैं म्यूज़ियम के। चलें, लेट्स स्टार्ट। जो किसी हिस्ट्री, किसी भी कंट्री की, किसी भी कौम की जो है वो पहचान होती है, तो और वही हिस्ट्री और उसका एहसास होती है, और कौमें जो अपनी हिस्ट्री को, तहजीब को, मदन को, सकाफत को, कल्चर को वो सेव करती हैं। और इस म्यूज़ियम में जो पुर्तगाल का है, इसमें इनका जो प्रोसेस करने का है फिश को, वो ओल्ड तरीका जो पैटर्न आप देख सकेंगे, और ये जो टिन पैक जो है फिश, इसमें काफ़ी डिटेल है म्यूज़ियम में, तो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अभी हम म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। ये मेन इंटरेस्ट है। इस फिल्म में दिखा रहे हैं वो कि कैसे वो फिश को समंदर से लाते हैं। अगर थोड़ा बेहतर व्यू दिखा सकूं मैं तो। तो ये देखें, ये इस तरीके से फिर फिश को लाया जाता है और फिश को यहाँ पर वो रखते। ये देखें, इस तरीके से फिर वो फिश आती और उसको क्लीन करते हैं फिश को। ये वही जगह है, ये देखें, यहाँ से फिश आती और वो यहाँ से उसको, ये पाइप के थ्रू उसको क्लीन करते और फिर इस तरह बास्केट के अंदर वो जाती। मैं आपको बास्केट भी दिखा सकता हूँ। अब दूसरी साइड पे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्लीन होके फिश ऐसे आती बाहर और ये यहाँ से फिश को उठाते हैं, फिर फिश को यहाँ पे डालते हैं, फिर वो फिश को उठा के आप देख सकते हैं आगे इस तरह, फिर वो फिश को इस जो है वो कॉटन सा है ये, इसके अंदर वो एडजस्ट करते हैं फ्रेम के अंदर। ये आप देखें, ये अगर दे सके तो ये वो औजार हैं जिसके थ्रू इसको, ये फिश को कट करते हैं या इसको प्रिजर्व करने के लिए टिन्स में डालते हैं। ये वो टिन पैक है, ये देखें, उस वक्त की ओल्ड जो ब्रांड था उसके कवर भी लगे हुए हैं साथ।
तो बड़े खूबसूरत अंदाज से इन्होंने उन चीज़ों को आज की जो है वो नेशन को बताने के लिए डिस्प्ले किया हुआ है। और ये देखें उस टाइप उस वक्त के जो टिन थे वो मुख्तलिफ डिज़ाइंस के थे, और ये आप देख सकते हैं। ये फिश को टिन में पैक कर रही है लेडीज, ये देखिए उसको कट करती है। यहाँ पर रखती जा रही है, और इसके अंदर जो ऑलिव ऑयल है वो ढलता जा रहा है। ये मशीनरी यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ये उस वक्त की मशीनरी इस प्रोसेस में इस्तेमाल होती है, वो सारी मशीनरी है ये हम देख सकते हैं।